अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़। मीरपुर खास से ब्यूरो चीफ शाहिद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस्लामी बैंकिंग निज़ाम को आवाम में बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। दीन इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है और सूद का कारोबार बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लामी बैंकिंग निज़ाम के तहत शरीयत के मुताबिक तमाम कारोबार के लिए कर्ज फराहम किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार इस्लामी बैंकिंग के शरई शिकायती शोबे के इंचार्ज मुफ्ती शेख नौमान ने इस्लामी बैंकिंग के हवाले से मुनक्किदा आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए किया। आगाही सेमिनार में एरिया मैनेजर शेब गनी मेमन, ब्रांच मैनेजर एहतशामुल हक अंसारी, दानियाल फारूक, एरिया सेल्स मैनेजर न्याज मोहम्मद मरी, निसार अहमद राजपर के अलावा शहरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने मजीद कहा कि सूद एक लानत और उसे बहुत बड़ा गुनाह है और इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है, इसलिए हमें चाहिए कि इस्लामी तरीके और शरीयत के मुताबिक कारोबार करें, जिससे आप अपने कारोबार को वसत देने के साथ अल्लाह की जात को राजी कर सकते हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में इस्लामी बैंकिंग निज़ाम को आवाम में उम्मीद से ज्यादा पजीराई मिल रही है। इस्लामी बैंकिंग निज़ाम तमाम कारोबार के लिए कर्ज फराहम कर रहा है, इसलिए आप सभी इस्लामी निज़ाम और शरीयत के ऐन मुताबिक कारोबार करें ताकि आपका माल और आखरत संवर सके। इस मौके पर मुफ्ती शेख नौमान ने सेमिनार के शुरकाओं के सवालात के जवाब भी दिए।